वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरु वंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे। आप तो वचनबद्ध हैं, वसंत पंचमी के दिन मेरे रथ में आपको तो प्रवास करना ही होगा और उस दिन आपकी सत्ता, आपका सम्मान और आपका भय सब कुछ मेरे रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा होगा। ऐसी कोई मूर्खता मत करो कर्ण, यदि तुमने ऐसा कोई दुराचार किया तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। मेरा ही नहीं, सारे नीच समाज का जीवन कारावास में ही व्यतीत हो रहा है महाराज। न शिक्षा का अधिकार है ना रक्षक। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लाभ हेतु हमारा पसीना बहता है तब तक हम जीते, हम पसीना बहाने से मना कर दें तो हमारा रक्त बहाया जाता है। इससे और अधिक क्या होगा आपके कारावास में, मुझे भय नहीं है। किंतु कभी ना गिरने वाले महामहिम भीष्म मेरे रथ से अवश्य गिरेंगे। सारा समाज देखेगा कि महामहिम भीष्म भी गिर सकते हैं और क्षत्रियों का शासन भी गिर सकता है। पुत्र, ऐसा भीषण प्रण लेना उचित नहीं है पुत्र। भीषण प्रण लेने का अधिकार क्या केवल महामहिम भीष्म को ही है? पुत्र, तुम्हें बालपन में मैंने अपने हाथ से खिलाया है, लोरी गाकर सुलाया है, हम दोनों के बीच एक संबंध बन गया है। जाने क्यों तुम्हारी और एक माता का प्रेम उत्पन्न होता है। तुम्हारा जीवन कारागार में व्यतीत हो मैं नहीं देख पाऊंगी। अपने प्रण का त्याग कर दो पुत्र, ऐसे छोटे अहंकार के लिए समग्र जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता।
शस्त्र ही स्वतंत्रता हीन मनुष्य के पास अहंकार ही तो एक संपत्ति होती, वो भी आप छीन रही हैं। किंतु ऐसे दुस्साहस से क्या लाभ प्राप्त होगा पुत्र? मेरे दुस्साहस से परिवर्तन होगा महारानी, और परिवर्तन बलिदान मांगता है। प्रथम बलिदान मेरा होगा, मेरे समाज के लिए। कर्ण समय परिवर्तन करता है, मनुष्य नहीं। पुत्र उचित समय की प्रतीक्षा करो। समय नहीं महाराणी, साहस परिवर्तन लाता है। मैंने निर्णय कर लिया है बलिदान का। अब कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगी। यदि पुत्र के जैसा प्रेम वास्तव में करती तो भय की बेड़ियां नहीं, विजय का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें इतना ही आशीर्वाद दे सकती कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में हो, विजय तुम्हारे पक्ष में रहेगी। कहानी यदि पितामह की सत्ता गिरा दे तो क्या हानि है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बाधा पितामह ही है ना मामाश्री। तो हानियां है पुत्र, एक तो हस्तिनापुर की प्रजा के हृदय से भय चला जाएगा, और बिना भय के शासन कैसे कर पाओगे तुम? और दूसरी हानि, नीचा समाज कर्ण की पूजा करने लगेगा, और जिस व्यक्ति की पूजा आरंभ हो जाती है उस व्यक्ति को अंकुश में रखना असंभव हो जाता है पुत्र, असंभव। किसी भी स्थिति में कर्ण वसंत पंचमी के दिन सफल नहीं होगा पुत्र। हमें यह देखना होगा कि कर्ण उस दिन अपने रथ पर भीष्म को बिठाए ही नहीं। किंतु वो किस प्रकार होगा मामाश्री? कर्ण उत्तम मनुष्य है, और एक उत्तम मनुष्य अपना बलिदान दे सकता है। अपनों का बलिदान नहीं दे सकता ना। मेरे होने वाले सम्राट, हमें भी कुछ ऐसा ही मार्ग ढूंढना होगा पुत्र। हैं? मस्तिष्क को गति दो पुत्र। और तेज, और तेज,
किसी के हृदय में जिज्ञासा है कि कल वसंत पंचमी के दिन महामहिम भीष्म की क्या गति होगी? आ जाओ रथ में। जिज्ञासा तो है कर्ण, किंतु साहस नहीं है। चलिए। वैशाली, तुम इस रथ में नहीं बैठ सकती। तुम्हें यदि कुछ हो गया तो? साहस करो सारथी, दया नहीं। उत्तम, वसंत पंचमी के उत्सव में तुम्हारा लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। क्या लक्ष्य है आपका कर्ण महोदय? जीवन भर कारागार में रहने का, समग्र हस्तिनापुर को अपना शत्रु बनाने का, या अपने परिवार के स्वप्नों को नष्ट करने का? हमारे लिए तो जीवन ही कारागार है। शत्रुता नियति है और स्वप्न अपराध है। राजकुमार अर्जुन, सारी जातियों में जब तक समानता नहीं होगी, मेरा ये संघर्ष रुकेगा नहीं। और वसंत पंचमी तो केवल आरंभ है। और इसका अंत कौन करेगा? अंत भी भ्राताश्री ही करेंगे। राजकुमार अर्जुन, शायद आप मेरे भ्राताश्री के सामर्थ्य से परिचित नहीं। और आपको शायद कारागार के मर्यादा का परिचय नहीं है। भेड़ियों में बंदा सामर्थ्य किस काम का? बलिदान सदा ही लाभ देता है राजकुमार अर्जुन। किंतु कर्ण महोदय, बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, सिंह की नहीं। कृपा करके पितामह का अपमान मत कीजिएगा, उससे आप ही को हानि होगी और समाज का कोई लाभ नहीं होगा। आपकी सद्भावना मेरे प्रति है या आपके पितामह का अपमान ना हो वो आशय, ये मैं नहीं जानता। किंतु आभार, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूँ मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए।
आशीर्वाद दीजिए माता, आज वसंत पंचमी में मैं विजयी रहूं। यदि तुम मुझे दंड दे रहे हो तो मैं इस दंड की अधिकारी हूं। नहीं माता, स्वप्न में भी मैं आपको दंड नहीं दे सकता। माता के चरणों की धूल तो पुत्र के लिए सद्भाग्य है, किंतु ये कार्य करके तुम स्वयं को क्यों दंड दे रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें क्रोध है किसी पे? नहीं माता, यदि किसी पर क्रोध है तो वो केवल अपनी परिस्थिति पर है, अपनी निर्बलता पर है। शस्त्र का मोह, अपने लिए सम्मान का मोह भी नहीं, मुझे स्वतंत्रता का मोह है, अपने सूत समाज के लिए, सारी नीची जातियों के लिए। मैं वो सब नहीं जानती। मैं बस तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ पुत्र, यही मेरी आशा है। और मेरी इस आशा को तुम नाश नहीं कर सकते। ये मेरा आदेश है। क्षमा करना माता, तुम्हारा आदेश मानने की इच्छा तो है, किंतु आदेश देने के लिए तुम स्वतंत्र भी तो नहीं। पिता ने आदेश दिया था गृह त्याग का, किंतु महारानी ने उस आदेश को निषिद्ध कर दिया। हम यदि अपनी संतानों को आदेश देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं तो उसे जीवन किस प्रकार कहा जा सकता है? इसीलिए आपसे विनती कि आप मुझे मत रोकिए माता। आपके पास शोण है, वो जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करता रहेगा। दो पुत्रों में से एक का दान कर दीजिए अपने समाज के लिए। माता अपने संतान की बलि नहीं दे सकती है पुत्र। किंतु संतान पर प्रथम और अंतिम अधिकार केवल माता का ही होता है। माता बलिदान नहीं किंतु पुत्र का दान तो कर ही सकती है ना। दे दो माता, समाज को मेरा दान दे दो। वसंत पंचमी का उत्सव बहुत ही महत्व के परिवर्तन लाने वाला है महामहिम।
कि आपको भय है महामहिम कि कर्ण आपको अपने रथ से गिरा देगा? यदि मेरी इच्छा हुई तो। निकट प्रश्न ये है कि मैं उसके रथ से गिरकर उसे आजीवन कारावास का दंड दिलवाऊं या उसके रथ पे स्थिर रहकर उसकी आत्मा को कुचलना उचित होगा। प्रणाम गुरुजी। ताजश्री, कर्ण की रक्षा का कोई मार्ग नहीं? कर्ण जैसा सामर्थ्य और मोहक बालक अगर जीवन भर कारागार में रह जाएगा, ये विचार से ही मैं कांप उठती हूं। यथार्थ कह रही हो तुम, किंतु कुंती, नदी में जल का प्रवाह केवल नीचे की ओर होता है। कर्ण के हृदय में जो विष है वो अवश्य उसे विनाश की ओर ले जाएगा। ताजश्री, यदि आज वसंत पंचमी के दिन उसकी रक्षा होगी तो मुझे विश्वास है कर्ण उचित मार्ग पर चलना आरंभ कर देगा। उसे एक अवसर दे दीजिए ताजश्री। उसने मेरे पुत्रों का रक्षण किया था, अब मुझे उसका रक्षण करना है। तुम्हारी विजय में ही हमारे सारे समाज की विजय है कर्ण। नहीं वृषाली, महामहिम की पराजय में हमारे समाज की विजय है। महामहिम भीष्म की पराजय में हमारे सारे समाज की पराजय है। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, यदि भ्राताश्री आजीवन कारावास में चले गए तो उनके साथ उनका संघर्ष भी कारागार में बंद हो जाएगा और साथ में हमारी सारी आशाएं। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, बलिदान बकरे का होता है, सिंह का नहीं। किंतु उपाय क्या है शोन? कर्ण प्रण ले चुका है। उपाय है मेरे पुत्रों, उपाय है। पुत्र शोन, मुझे स्मरण है, सत्य वचन। पुत्र शोर, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके? Oh,
प्रणिपात महामहिम। क्या आप परीक्षा हेतु सज्ज हैं महामहिम? परीक्षा देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए? जो भी आप उचित समझें, आपका सारथी सज्ज है। बुद्ध है मेरा पुत्र, उस पर दया कीजिए। तुम्हारा पुत्र अबुद्ध नहीं है अधिरथ, ना ही दया का अभिलाषी। सम्मान मांगने वाले को दया का दान देना, इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? तपे हुए लोहे पर प्रहार की आवश्यकता है, उस पर जल छिड़कने से वो टूट सकता है। मैं तुम्हारी परीक्षा शीघ्र ही लूंगा। पधारिए गुरुद्रोण। संत पंचमी के पावन पर्व पर मैं हस्तिनापुर की समस्त प्रजा को निमंत्रण देता हूं, उनका इस उत्सव में स्वागत करता हूं। वीणा वादनी, धवल
धारिणी विद्या की देवी माँ सरस्वती की स्तुति कर। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के आदेश पर मैं ये घोषणा करता हूँ, कुरुवंश के 105 राजकुमारों की शिक्षा और दीक्षा का दायित्व स्वयं गुरु द्रोण ने स्वीकार किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला, जो अपने शिष्यों को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो शिक्षा की ज्योत जगाने, हस्तिनापुर के भविष्य को उज्जवल बनाने और कुरुवंश के राजकुमारों को राजतंत्र से परिचित कराने, उसके अंग अंग का ज्ञान देने, बसंत पंचमी के पश्चात गुरुकुल की ओर उनके साथ प्रस्थान करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य की। नगर जनों, बसंत पंचमी के इस उत्सव पर गुरुवंश के कोने कोने से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ वेदी के निकट मंत्र गान से देवताओं की स्तुति करेंगे। तथा मेरे सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण स्नातक होने की आशा से रथ चलाने की परीक्षा देगा। उसका परीक्षक बन के स्वयं मैं उसके रथ पर प्रवास करूंगा। शोन, तुम अपने निर्णय पर दृढ़ हो? एक बार फिर विचार कर लो। विचारों का निर्णय से कोई संबंध नहीं होता मित्र उत्तम, विचार मन करता है और निर्णय हृदय लेता है। किंतु शोन, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे जीवन को कठिन बना देगा मित्र। नहीं मित्र, मेरा निर्णय मेरी मृत्यु को सरल बना देगा। चलो।
से पूर्व मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं होता। अब इतना बड़ा निर्णय ले ही चुके हो तो सही समय की प्रतीक्षा करो। जब मैं इंगित करूं तभी तुम अपना कार्य करोगे। यदि उससे पूर्व तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ तो तुम्हारे भ्राताश्री का क्रोध तुम्हारी योजना को विफल कर सकता है। हाँ, किंतु तुम्हारी योजना क्या है हमें भी तो बताओ। शीघ्र ही जान जाओगे। से लगाने का अवसर कदाचित नहीं मिले पुत्र कर्ण। स्मरण है जब हस्तिनापुर में तुम प्रथम बार आए थे तुमसे क्या कहा था? आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण परीक्षा देने उपस्थित हो। जाओ अधिरथ पुत्र कर्ण, परिवर्तन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। महामहिम भीष्म गणिपाद, मैं परीक्षा देने हेतु सज्ज हूं।
रहीम। क्या मुझे परीक्षक के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा? अवश्य। मैं आपको वचन देता हूं महामहिम, कि आज मैं जो भी करने जा रहा हूं, मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। आप सदा मेरे लिए पूज्य हैं। हस्तिनापुर की परंपरा और व्यवस्था यदि आपके सम्मान का प्रतीक नहीं होती तो मैं आपके अपमान का प्रण कभी नहीं लेता। जानता हूं पुत्र, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, किंतु तुम्हारे हृदय की भावना की प्रशंसा करता हूं। प्रशंसनीय तो कर्म होने चाहिए ना महामहिम, पर यह जगत जन्म को ही प्रधान क्यों मानता है? कर्म मनुष्य को सम्मान दिलाता है, उसे शीर्ष तक पहुंचाता है। फिर जन्म जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसे क्यों आधार माना जाता है? मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जाना चाहता है। मैं आज सबको यह बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान। मैं विराजिए महामहिम। पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राता श्री का संकल्प दृढ़ है, यही समय है अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राता श्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव सरस्वती। मैं आज सबको ये बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान। रथ में विराजिए महामहिम। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए, उनके हृदय की आग से परिचित हूं मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए। पुत्र शोण, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके? पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राता श्री का संकल्प दृढ़ है, यही समय है अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे
भ्राता श्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शोर शोर कहाँ जा रहा है? शोन कहाँ जा रहा है? ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये तो सूत का पुत्र है, उसने वेद पाठ करने का साहस कैसे किया? इसने यज्ञ को भ्रष्ट किया है। महामहिम, इसे दंड दीजिए। बिना अधिकार वेद पाठ करने का निश्चित दंड है। स्वर्ण पिघलाकर उसके मुख में डालना होगा महामहिम।
सैनिकों, इस सूत के पुत्र को बंदी बना लो। जो भी निर्णय होगा महाराज राजसभा में करेंगे। धर्म अनुसार केवल एक ही निर्णय महामंत्री विदुर, मृत्यु दंड। इस सूत पुत्र के मुख में स्वर्ण पिघलाकर डाला जाए। शोनी, तुमने क्या कर दिया? ये क्या किया शोन? ये क्या मूर्खता की तुमने? क्यों किया ऐसा? आप ही कहते हैं ना प्रताश्री, परिवर्तन सदैव बलिदान मांगता है। नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता शोन। माता और पिताश्री की वृद्धा अवस्था का आसरा हो तुम। नहीं प्रताश्री, हम आपका बलिदान नहीं दे सकते। सारे समाज की आशाओं का आसरा केवल आप है प्रताश्री, केवल आप। असंभव, मेरे अनुज को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज, आप मेरे अनुज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं,
किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। छोटा सा बादल सूर्य को छुपा सकता है किंतु उसके प्रकाश को नहीं। ना तुम्हारे पास वो दिव्यता है और ना ही दिव्य शस्त्र कि तुम हस्तिनापुर की समग्र सेना को परास्त कर सको। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। मामाश्री, सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी। किंतु कैसे? देखते जाओ बस। और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है। जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। सूत पुत्र को वही दंड देना होगा महाराज। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध और प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो। और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया था। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री। मौन रहो मूर्ख। महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई। पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश,
आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार महाराज, आज तक मैंने केवल न्याय मांगा, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा, आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा, सारथी, सूचिकार, परिचारक, जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है, किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा, शौन शौन इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं, वो शौन को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है? तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिए। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोगकर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार राजू, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार राजू, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया था। मैं विनती करता हूं, मेरे मेरे शौन की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो, सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो मेरे होने वाले सम्राट। क्या लाभ होगा मामाश्री? सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र। पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूं कि इस सूत पुत्र को
दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा।